नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस दिनों दिन घातक साबित हो रहा है। हर रोज प्रदेश से ब्लैक फंगस के नए मामले डरावनी तस्वीर सामने ला रहे हैं। देहरादून, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रुड़की के बाद ब्लैक फंगस ने उधम सिंह नगर के जसपुर में भी अपने पैर पसार लिए हैं। जसपुर में ब्लैक फंगस का पहला मरीज सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। उत्तराखंड में कोरोना की लहर कमजोर हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामलों में गिरावट अभी भी नहीं आई है। एक तरफ तो लोगों में कोरोना से मरने वालों की वजह से पहले ही दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों में और भी ज्यादा भय का माहौल बना दिया है। कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं अब जिला उधम सिंह नगर भी इससे अछूता नहीं रहा। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर में ब्लैक फंगस का पहला मरीज सामने आया है, जिसके इलाज के लिए सिंगल नर्सिंग होम लाया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने मरीज को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया है। इस दौरान डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने बताया कि एक ब्लैक फंगस का मरीज हॉस्पिटल में आया था, जिसे हालात बिगड़ने के चलते सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी 3 दिन पहले एक मरीज जिसने कोरोना का इलाज काशी में किसी निजी अस्पताल में कराया था, और इलाज के बाद उसको बेचैनी रही और बुखार होने लगा था, तो वो बेबस आया था। जाँच को पता चला कि उसे शुगर की बीमारी है और उसके लाल चौपर सूजन थी, तो अगले दिन तक उसकी जो बाई आँख थी उसमें भी सूजन आ गई। तो मैंने उसे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी रेफर किया, ये सोचकर कि ब्लैक फंगस का मरीज है, और वहाँ जाकर भी उसको संदिग्ध पाया गया है और उसकी आगे जाँच हो रही है। अगर ये कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, ये वातावरण में हर समय मौजूद रहती है, और विशेष रूप से जहाँ नमी वाले स्थान है वहाँ पर अधिक पाई जाती है। यहाँ पर बचाव की बात है, क्योंकि आजकल मास्क का उपयोग हो रहा है, हमें ये सावधानी बरतनी है कि जो मास्क है वो गीला ना रहे। उपयोग के बाद मास्क को अच्छी तरह धोकर साबुन से उसको धूप में सुखाया जाए और फिर उल्टा पलटी करके दूसरा मास्क लगाया जाएगा, तो इससे बचाव रहेगा। जहाँ तक कोरोना मरीजों में ये प्रकोप अब ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उसमें डॉक्टर्स को ही सावधानी लेनी है, मरीज को भी सावधानी, इसमें मरीज तो मरीज ही है पर डॉक्टर्स को ही सावधानी लेनी है कि जो स्टेरॉइड्स ड्रग है वो कम से कम उपयोग हो जिसकी आवश्यकता शुरू हो। मैं देखा हूँ कि बहुत से मरीज जो कोरोना से संक्रमित हैं शुरू से ही झोला छाप डॉक्टर या कुछ और डॉक्टर स्टेरॉइड्स में डाल देते हैं, जिसके कारण इस संक्रमण का ज़्यादा उम्मीद रहती है। इसके साथ साथ शुगर के जो मरीज हैं और विशेष रूप से स्टेरॉइड्स देने के बाद जिनमें शुगर डेवलप हो जाती है, उनको विशेष रूप से डॉक्टर से फर्ज है कि डायबिटीज का कंट्रोल बहुत सख्त किया जाए। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।